आप सभी के सामने हाजिर हूँ। नालासोपारा में दिन ब दिन क्राइम रेट बढ़ते ही जा रहा है। इससे पहले मोरे गांव में गोलीकांड और आज एक बार फिर से नालासोपारा के संकेश्वर नगर में एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला किया गया। मौके पर ही उस व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तकरीबन ये घटना 4:30 बजे की है, जब व्यक्ति अपने घर से निकल कर विले पार्ले जा रहा था। वो विले पार्ले में वॉचमैनिंग का काम करता था, एकमात्र वही व्यक्ति था जो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस घटना के बाद मानो परिवार में एक मातम सा छा गया है। पुलिस इस पूरे घटना की कार्यवाही कर रही है, छानबीन लगातार कर रही है। अब देखना ये होगा कि क्या आरोपी को पुलिस पकड़ पाती है। आइए सुनते हैं, एक अन्य व्यक्ति ने अपनी आपबीती सुनाई। उनका कहना है कि आरोपियों द्वारा मृत व्यक्ति से पहले उन पर भी हमला किया गया था। सुनिए, मैं घर से 4:30 बजे निकला। आज किसी को मतलब निकलता 5 बजे, लेकिन आज जल्दी निकला आधा घंटा। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मैं आगे गया तो 3 छोकरे खड़े थे पेशाब के बहाने में। तो मैं थोड़ा आगे चला गया, अंधेरा हो गया तो मेरे को दोनों ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ने के बाद में मेरी पूरी झड़ती लिया। तो जिसमें 40 रुपया था वो लेके गए और मेरे मोबाइल निकाल के लेके गए और सिम कार्ड निकाल करके दे दिया। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एंटी करप्शन न्यूज़ के साथ।